हेलो ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर लेके आए, जिसमें बात करेंगे कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप के हायर लेवल तक ये टॉपिक चलेगा। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे कूलम्स लॉ होता क्या है। कूलम्स लॉ होता ये है, पहले आपको बता देते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि डेफिनेशन प्रिंसिपल इसका लिख लेते हैं हम क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अपना कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि जो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर रिपल्शन है चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इसका मतलब दो चार्ज हैं, कोई भी दो चार्ज हो सकते हैं भाई, प्लस प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे। तो जब सेम चार्ज रहेंगे, फिर जब प्लस प्लस रहेगा चार्ज, या फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात, में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्सन फोर्स। एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे जब सेम चार्जेस रहेगी। और जब अपोजिट चार्जेस रहेंगे, अपने पास ये प्लस है, इधर क्या है, माइनस है, तो ये आपस में क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो इनके पीछे जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्यों लगेगा इनके बीच, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा पिछले लेक्चर का, वहां से जाके देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। ये आयन से अपने पॉजिटिव चार्ज है, आयन से इनके चारों तरफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वजह से क्या हो रही है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल हो रही है। यहाँ पे लाइक फोर्सेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, रिपेल हो रही हैं, अनलाइक है तो अट्रैक्ट हो रही हैं। और यही जो फोर्स है, यही जो फोर्स इनके बीच में लग रही है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, कूलम्ब फोर्स। और ये फोर्स सबसे पहले मेजर की गई थी ऑगस्टिन डी कूलम्ब के द्वारा, ऑगस्टिन डी कूलम्ब। सबसे पहले इन्होंने फोर्स, ये अक्सर पूछ लेते हैं एक नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में, किसके द्वारा मेजर की गई थी, तो की गई थी ऑगस्टिन डी कूलम्ब। पूरा लिख देते हैं, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब इनका नाम है। इनके द्वारा सबसे पहले मेजर की गई थी कौन सी फोर्स, कूलम्ब फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगती है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो, चाहे वो क्या हो, रिपल्सिव हो। तो अपनी बात यह है कि कोई भी चार्ज हो, ये अपना एक चार्ज है क्यू वन और ये अपना है क्यू टू, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। एंड इसके एक चार्जेस को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसका जो डिस्टेंस है, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, जिसको मान लेते हैं आर, तो मान लेते हैं आर, तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, हमारा जो एफ फॉर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, क्यू वन इंटू क्यू टू, क्यू वन इंटू क्यू टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड क्या है अपना, कि एफ जो है फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब इसको हम इंक्लूड करें, दोनों को आपस में इंक्लूड करें, मर्ज करें, तो अपना क्या आएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना आ रहा है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए स्क्वायर टू लगाएंगे, तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हम कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, एफ स्क्वायर टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स,
एफ इज इक्वल टू फोर्स वेदर दिस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. हियर क्यू वन इज इक्वल टू फर्स्ट चार्ज एंड क्यू टू इज इक्वल टू सेकेंड चार्ज. आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड के इज इक्वल टू वॉट इज के. के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. अरे के इज इक्वल टू होता क्या है? के इज इक्वल टू अगर जो हम बड़े क्लासेस में देखे हैं तो के इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट. ये अपना क्या है? के की एक वैल्यू है. ये के की क्या है? वैल्यू है. ये अपनी के की वैल्यू है. तो यहां पे देखते हैं फॉर्मूला क्या है. एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. वो नीचे लिख दिया, थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं आर स्क्वायर. तो इसमें अपना के जो है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यू अपनी आती है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट. ये इसकी वैल्यू आती है. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपनी के की जो वैल्यू होगी वो इसको इक्वल होगी. और एसआई यूनिट में, किस यूनिट में? एसआई यूनिट में जो अपनी के की वैल्यू है वो कितनी है? एसआई यूनिट में के की वैल्यू अपनी है 9×10⁻¹. अब इसमें यूनिट क्या लिखे हम? ओहो, इसमें यूनिट क्या लिखे? यूनिट क्या लिखे? हमें पता है सिंपल सी, हमें क्या चीज पता है कि यूनिट हम किससे निकालते हैं? फॉर्मूले से निकालते हैं. तो पहले हम इसका क्या करते हैं कि इसका यूनिट निकाल लेते, उसके बाद यहाँ पे इसको यूनिट पुट करेंगे. वैल्यू में पता चल गई 9×10⁻¹. अब यूनिट हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. जो यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर. पर इसे हमें पता नहीं आया कहाँ से. पर हमें पता तो है नहीं आया कहाँ से. इसको पहले देखते हैं ये आएगा कैसे. यहाँ पे हम देख लेते हैं आएगा कैसे. बहुत ही सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें. क्यों ना, फॉर्मूले को हमें इधर उधर चेंज करना है. के को एक साइड रखेंगे, बाकी फॉर्मूले को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे और उसके बाद उन सब की क्या करेंगे? यूनिट्स लिख देंगे. उन सब की यूनिट्स लिख देंगे. मतलब फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. तो के को हम इस साइड रहने देते हैं, आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे. क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू. के को इधर ही छोड़ देते हैं. क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू स्क्वायर टू के एफ आर स्क्वायर क्यू वन क्यू टू. इन सब की हम यूनिट लिख लेते हैं. अपनी फोर्स है, फोर्स यूनिट क्या है? न्यूटन है. आर स्क्वायर आर हमारा डिस्टेंस है. डिस्टेंस किस में नापते हैं हम? लेंथ में नापते हैं. लेंथ की अपनी यूनिट क्या है? आर. डिस्टेंस किस में नापेंगे हम? डिस्टेंस को हम नापेंगे लेंथ में. और लेंथ की यूनिट अपनी क्या है? मीटर है. मीटर को यूनिट को डिनोट करते हैं एम से. यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा. और नीचे चार्ज है, चार्ज को हम किसमें नापते हैं? कूलाम में. सी इंटू सी. ये अपनी क्या आ गई? के की यूनिट आ गई. न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर. यानी के की वैल्यू अपनी क्या होगी? 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर. और हमने क्या बता बात किया आपसे कि जो के की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इस चीज का यूज हम 11th और 12th क्लास में करेंगे. अभी हम सिंपली ये देखेंगे यहाँ पे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सिंपली हम के की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर. ये के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. ये हम यूज करेंगे 11th और 12th क्लासेस में. भाई आपके लिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, बहुत ही ईजी सा. यहाँ पे हम कोई एक 5 कूलाम का चार्ज ले लेते हैं और कोई एक 10 कूलाम का चार्ज ले लेते हैं. और इसके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं 5×10⁻¹. डिस्टेंस क्या ले लेते हैं? 5×10⁻¹ मीटर. और हमें निकालना क्या है? एफ निकालना है. एफ क्या निकालना है? फोर्स निकालना है. सिंपल सी चीज है, हम फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं आराम से. एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है अपना? के क्यू वन की टू अपॉन आर स्क्वायर. अपना एफ हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. एफ इज इक्वल टू के क्यू वन अपना क्या है? 5 कूलाम है. इंटू क्यू टू क्या है? 10 कूलाम है. अपॉन आर स्क्वायर 5×10⁻¹ मीटर का स्क्वायर है. और अपनी के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू हमने बताई क्या होती है? 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर. इसको हम पुट कर दें 9×10⁻¹ इंटू 5. ये हम यहाँ से चाहे तो अपना ये हटा लें, यूनिट हटा लें. 5×10 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5×5 = 25×10⁻¹ है. इसको सॉल्व करेंगे तो 6×2 = 12 आ जाएगा. 6×2 = 12 आएगा. ऊपर हम देखते हैं कि 10⁻¹ है, तो सॉल्व करें 9×5 9×10
फाइव इज 10 की पावर 9 और इंटू 10 की ये 10 है, तो इसमें पावर इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है, ये ऐड हो जाएगा। आपको पता है सिंपली क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। 5 से 5 ये 25 काट दे, 5 यहाँ पे आ जाए, 9 इंटू 10 की पावर 10, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 9 पावर है, दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 12 इंटू 5 भी है, यहाँ पे इंटू 5 भी है। अब ये 10 को हम नीचे लाएंगे, 10 को नीचे लाएंगे, 9 इंटू क्या लिखते हैं 9 अपॉन 5 इंटू, अभी 10 की पावर 12 है, नीचे ऊपर 10 है, तो नीचे आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे पावर इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर 12 माइनस 10। इधर सॉल्व कर ले, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, उधर अपना क्या है 9 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 10, तो 9 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम काट दें, 5 × 5 = 4, 5 × 8 = 40, 1 upon 1.8 upon 100 हो गया। अगर फोर्स निकालना है तो इसको सिंपल सा हम क्या कर दें, इसको पॉइंट में कर दें, 0.018 न्यूटन। ये अपना क्या आ गया, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आ गया इसमें, ये अपनी टोटल क्या आ गई, फोर्स आ गई। तो हमने कूलम्स लॉ की बात की, इस पर आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिया, और न्यूमेरिकल आप किसी रेफरेंस बुक से ले सकते हैं, उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो हम आपको और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा देंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन मुझे लगता है आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर किया है हमने बात, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा चलिए आपके लिए सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पे आपको बात अब समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियर होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार, आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।